नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। सोनाली फोगाट के इस केस में जहां सीबीआई को ये केस मिला हुआ है, सीबीआई ने कई ऐसे सबूत ढूंढ निकाले हैं जहां से समझ आ रहा है कि सोनाली फोगाट के इस केस में और भी कई लोग शामिल है। अगर हम गौर करें उस वायरल वीडियो पर जो कि एक सीसीटीवी फुटेज है, जब सोनाली फोगाट को क्लब में सुधीर सांगवान अपने कंधे का सहारा देकर अंदर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर गौर करें तो उस वीडियो में सामने एक लड़की दिखाई दे रही है। कौन है वो लड़की, कौन है वो महिला जो इस केस में शामिल है, जो इस साजिश में मिली हुई है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में उस लड़की का नामो निशान नहीं है। फिलहाल सीबीआई की पूरी नजर उसी केस में उसी महिला पर है। अब वो उस महिला की छानबीन कर रहे हैं, उसे जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर उस वक्त वो वहां क्या कर रही थी या उस वक्त क्या क्या चीजें वहां पर हुई हैं। सबूत सीबीआई के पास में है, सीबीआई बहुत आसानी से उन्हें ढूंढ निकालेगी। और इसी के साथ सीबीआई ने जो सबूत ढूंढे हैं उसकी ही तरीके से उसी के उससे उन्होंने सुधीर सांगवान जो कि पर्सनल असिस्टेंट है सोनाली फोगाट के, उससे सच उगलवा ही लिया है। यहाँ पर सुधीर सांगवान का एक बड़ा सा कन्फेशन आया, जिस कन्फेशन में वो बोलता हुआ नजर आया है कि कैसे कैसे कितने बजे जो है मैंने वहां पर, हम क्लब में थे, हम क्लब गए, हम 11:30 बजे क्लब गए हैं, उससे पहले हम जहां थे वहां पर सोनाली फोगाट ने खुद से ड्रग ऑर्डर किया था, ड्रग आने के बाद उन्हें ड्रग दिया गया, हम लोग खुद नाक से उसे सूंघने लगे, उसके बाद हमारा प्लान बना कि हम क्लब जाएंगे, 11:30 बजे वो क्लब पहुंचे, लेकिन सोनाली फोगाट को ओवरडोज हो गया था तो वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगी। मतलब यहां सुधीर सांगवान का ये कहना है कि इतने टाइम में उनकी कोई गलती नहीं थी, ड्रग्स सोनाली ने मंगाए, हम तीनों ने ड्रग्स लिए, हम क्लब गए, क्लब जाने के बाद ओवरडोज की वजह से उन्हें वॉमिटिंग आई और बार बार मैं उन्हें पानी पिला रहा था। एक वीडियो और सामने दिखेगी जहां पर सुधीर सांगवान कुछ पिलाते हुए नजर आ रहा है सोनाली को, वहां वो कह रहे हैं कि मैं उसे पानी पिलाता हुआ नजर आ रहा था। यहां पर जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, इस बयान से समझ आ रहा है कि कुछ तो छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस केस में सबसे बड़ा सबूत होगी वो महिला। अगर वो सामने आ जाए तो शायद बहुत सारे राज और खुल जाए। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना।